गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ जूडो के नेशनल चैंपियन से और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। अगर आपको वहाँ देखें, दोनों ज़बरदस्त कंडीशनिंग फिजिक। तो भाई हो जाए एक प्रैक्टिस सेशन, तो दोनों से मैं आपको भी मिलाता हूँ। पर देखिए इनकी प्रैक्टिस कैसे होती है, ये भी होती है अखाड़े में। भाई दिखाओ तो सही ज़रा कैसे प्रैक्टिस करते हो आप लोग। देख रहे हैं आप इनकी ये एक, ये देख रहे हैं आप इतनी ज़बरदस्त कि बस। ये देखिए जूडो इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, ये बहुत अलग रेसलिंग की तरह होती है कुछ कुछ, लेकिन एक तरीके से इतनी जान होती है इनमें। और इनके पास मेडल्स हैं, इंटरनेशनल मेडल्स हैं, इंडियन मेडल्स हैं, और मैं वही आपको आज मिलाने वाला हूँ। और इनकी कंडीशनिंग फिजीक ज़बरदस्त, और सबसे बड़ी बात ऐसे ऐसे जेम्स हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा है ना। और अब आपको मैं उनसे मिलाता हूँ। तो एक बात बताओ नीलेश भाई, यार ये इतनी ज़बरदस्त बॉडी, लड़के इतनी तैयारी करते रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते रहते हैं, तुम्हारी तो नेचुरली ऐसी बॉडी होगी कि मतलब ऐसी बॉडी 12 महीने ऐसी रहती है बॉडी। हाँ, हमारा कोई ये लिन जो ये मतलब जिम में आजकल वो चल रहा है कि भाई लिनिंग गेनिंग, मतलब मेरे को हंसी आती है इनको देख के ना, मतलब कि यार कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, जैसे सैलेड पे रहना है तो सैलेड पे, ये वाटर पता नहीं क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो देसी डाइट पे रहता हूँ और घी डाइट। बताओ क्या क्या खाते हो, तो सब कुछ बताओ। तो जैसे दूध हो गया, दूध कितना पीते हो रोज का? मैं आधा किलो एक किलो हो जाता है मेरा, और सेम मेरी सिस्टर का। और घी हो जाता है, देसी घी जो भी रहता है हमारा। बादाम हो जाते हैं, बादाम डेली के लगा लो आप 250 गिरी लगा लो, दोनों बहन भाई के तो खुद ही रगड़ने पड़ते हैं, वो लड़ाई भी होती है हमारे बीच में कौन ज़्यादा खाएगा नहीं कौन पहले बनाएगा। अच्छा। हाँ, तो यही रहता है। और नॉर्मल अपनी रोटी घर की और सब्जी बस। चिकन वगैरह खाते हो? चिकन ऐसा नहीं है, मैं कोई परमानेंटली वो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, पर हाँ कभी कभी मैं खा लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई 5 अंडे सुबह 5 अंडे शाम को, 200 ग्राम चिकन, ऐसा कुछ नहीं है। 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को, ये रहता है हमारा। तो कभी लास्ट में आया, तुमने चिकन कब खाया था? मैंने ईरान में खाया था चिकन लास्ट। कितना टाइम हो गया? ये 2018 की बात है। तो 2 साल तक तुमने चिकन नॉनवेज कुछ नहीं खाया? ऐसा नहीं है कि जैसे कि रेगुलर कि भाई आज खाना ही खाना, मेरी बॉडी गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और वेजिटेरियन हो? हाँ वेजिटेरियन हूँ, एगिटेरियन भी हूँ। ऐसे ऐसा नहीं है, एग्स खाते हो? मतलब हाँ एग्स खाता हूँ, पर इतना नहीं है कि वो जैसे जिम वाले कि भाई 5 खाने हैं तो 5 खाने हैं, ये येलो वाइट ये जो भी है, ऐसा नहीं है मेरे साथ कुछ भी। मैं बस ये करता हूँ कि अगर मैंने कुछ जंक फूड खाना भी है तो मैं खा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ डबल मेहनत करनी पड़ती है, पसीना ज़्यादा निकालना पड़ता है उससे। हम ऐसे ही रहते हैं, मतलब हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, हम मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्या बात है, देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो नज़र आ रही है। और ये हमारे दूसरे हमारे नेशनल चैंपियन, क्या उम्र है तुम्हारी? 18 सर। देख रहे हो 18 की उम्र में भाई की कंडीशनिंग देखो यार। अब ये टॉप बॉडी बिल्डर्स की ऐसी कंडीशनिंग नहीं होती है यार। तो तुम भी सब कुछ खाते हो? हाँ सब कुछ, जैसे भाई बताते हैं, सर बताते हैं कि ऐसे डाइट लो। वेजिटेरियन हूँ, एग खाता हूँ मैं भी बस, चिकन कभी कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। तो पूरा नाम तो बताओ। हर्ष टोकस। अच्छा, तो तुम कब से कर रहे हो ये सब, ये जूडो? मैं 5 साल हो गए मेरे को भी जूडो करते हुए, तो उसी में नेशनल खेल रहा हूँ। अभी भाई के साथ खेल के आया था कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, वहाँ 5th प्लेस थी मेरी, तो फिर अब नेशनल में गोल्ड था मेरा। ऐसे खेलते हैं। जिम विम कैसे करते हो तुम यार? जिम का तो अलग ही रूटीन होगा तुम्हारा, मतलब तुम बॉडी बिल्डर्स की तरह तो जिम करते ही नहीं होगे, राइट? कैसे? पावर ट्रेनिंग जो भी है, मतलब अपनी देसी चीज़ रहती है, जैसे बेंच मार ली, पुलअप्स कर लिए, और पुली होगी, बस यही करते हैं। वो नहीं है अपना रोज? नहीं रोज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन ज़्यादा शरीर टूट गया तो उस दिन चलो भाई अब नहीं हो पाएगी, पर हाँ ये है पुलअप्स तो एक दिन एक छोड़ के तो करना ही पड़ता है पुलअप्स, तो पुलअप्स बहुत ज़रूरी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ यार देख के कि आप देख रहे हो कैसे चैम्पियन बनता है। देखो सिंपल डाइट, सिंपल खाना, लेकिन प्रैक्टिस में कोई गुंजाइश नहीं, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं। डाइट तुम सब खाते हो, दूध घी ये वो सब कुछ? 3 टाइम दूध पीते हैं, सुबह दोपहर को और शाम को, फिर रात को सोते वक्त। तो मतलब 2-3 लीटर हो जाता है दूध रोज? हाँ हो जाता है, 3 मग्गे हो गए पूरे दिन के, तो अब लगा लो कितना हो गया। तो 3 लीटर दूध रोज का, भैंस का? हाँ भैंस का। और देसी घी वगैरह? देसी घी वगैरह सब कुछ, कुछ वो नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाना है जो मिल जाए, बादाम जिससे प्रोटीन हो वो ही आने दो।
मीठा भी सब कुछ, मीठा भी आने दो, वो ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी हो जाती है सब। यहाँ पे जाए बाय चांस किसी लड़के का बर्थडे होता है या कुछ तो रसगुल्ले तो कम से कम आधा किलो तो चाहिए रसगुल्ले। आप आधा किलो रसगुल्ले खा जाते हैं आराम से एक बार में? ऐसा कुछ नहीं, हमारे कुछ चढ़ेगा। रसगुल्ले जाते कहाँ है भाई, मेरे को तो ये बता दो रसगुल्ले जाते कहाँ है भाई, देख रहे हो एक बार में आ जाए तो आ जाए, फिर इतनी प्रैक्टिस पसीने निकल जाते हैं सब कुछ वही। कोई गर्लफ्रेंड है आपकी क्या? है भाई, है क्या गर्लफ्रेंड? बैठे तो बहुत ऐसी है गर्लफ्रेंड क्या, मतलब एक से ज्यादा ऐसे ही छेड़ते रहते हम। या तो एक ही काम हो पाएगा, या आप इस लाइन में चल लो या आप उस लाइन में चल लो। अगर इस लाइन में चलना चाहते हो तो किस लाइन में? यही आप जो अभी बोल रहे थे, गर्लफ्रेंड वाली लाइन। अच्छा, दोनों में से गर्लफ्रेंड वाली लाइन या स्पोर्ट्स की लाइन? हाँ, एक ही में कामयाब हो पाओगे, या तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या फिर आपको फेम होगा तो लड़कियां अपने आप पीछे भागेंगे ऐसे। मतलब हमारे मामा बोलते हैं कि कुछ करो तो तुम्हें दुनिया खुद ही तुम्हारे पीछे भागेगी कि ये लड़का चाहिए लड़की चाहिए।